हज मुसलमानों की ज़िंदगी का एक ज़रूरी काम। इस्लाम के 5 सिद्धांतों में से एक हज यात्रा हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में एक बार करनी ज़रूरी है। अगर वो ऐसा करने में समर्थ है तो हज काबा का तवाफ यानी परिक्रमा करके होता है, जो कि सऊदी अरब के शहर मक्का में है। दुनिया भर के लाखों मुसलमान हर साल वहाँ पहुँचते हैं। हज कम्प्लीट करने में 5 दिन लगते हैं, जिस दौरान कई रस्में पूरी करनी होती है। इन्हीं में से एक होती है कुर्बानी की रस्म। हज तभी पूरा होता है जब वहाँ मुसलमान पूरी इबादत करने के बाद किसी जानवर की कुर्बानी दे देते हैं, और ऐसा हर हाजी को करना होता है। जिन जानवर की कुर्बानी की जाती है उनमें बकरा, भेड़ और ऊँट शामिल होते हैं। जिस दिन ये कुर्बानी होती है वो दिन ईद उल अजहा यानी बकरीद होती है। लगभग वहाँ हर साल 20 लाख हाजिया पहुँचते हैं, यानी कि इससे पता चलता है कि लगभग 20 लाख जानवर की कुर्बानी हर साल होती है। 20 लाख जानवर बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर इतने जानवर कटेंगे तो उनका मीट कितना होगा? सवाल मन में आता है कि इतने जानवर कटने के बाद कहाँ चले जाते हैं, क्या होता है इतने मीट का, और जहाँ कटते हैं वहाँ तो खून ही खून नजर आता होगा। शरीयत के मुताबिक जिस जानवर की कुर्बानी होती है उसके 3 हिस्सों में 2 हिस्से मीट गरीबों में बांटना होता है और 1 हिस्सा कुर्बानी करने वाला खुद खा सकता है। लेकिन जो हज करने गया है, न वो 1 हिस्सा मीट खुद खा सकता है और न ही वहाँ मौजूद गरीब लोगों को इतना ढेर सारा मीट एक साथ दे सकता है खाने के लिए। ऐसे में जब तक कोई खास व्यवस्था नहीं थी तो बहुत सारा मीट पड़ा रह जाता था। दशकों पहले इन जानवरों को ज़मीन में दफन कर दिया जाता था, क्योंकि ज़्यादा वक्त तक उसको गर्मी की वजह से रखा भी नहीं जा सकता था। हज के दौरान वहाँ तापमान करीब 40 डिग्री से भी ऊपर होता है, लेकिन अब इस मीट को ठिकाने लगाने के इंतजाम कर लिए गए हैं। साथ ही वो तरीका भी जिससे वहाँ गंदगी न फैले, खून ही खून न दिखाई दे। सऊदी अरब सरकार कुर्बानी के मीट को उन देशों में भेज देती है जहाँ पर गरीब मुस्लिम रहते हैं। साल 2013 में सऊदी अरब ने जो मीट बाहर भेजा उनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा सीरिया को भेजा गया। कुर्बानी के बाद 9,93,000 जानवर साल 2012 में 24 देशों में भेजे गए थे। साल 2013 में 28 देशों में मीट भेजा गया था। इन देशों में सोमालिया, इंडोनेशिया, सीरिया जैसे देश शामिल होते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ हज मीट प्रोजेक्ट सऊदी सरकार ने 36 साल पहले लॉन्च किया था, जिसके तहत इस मीट को बांटने का काम किया जाता है। सऊदी अरब में अब कुर्बानी करवाने के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, जहाँ से मुसलमान कुर्बानी का कूपन लेकर कुर्बानी करा सकते हैं, या फिर वो खुद भी वहीं से जानवर खरीद कर कुर्बानी करा सकते हैं। मक्का के पास ही एक बुचड़ खाना है जो पोस्ट ऑफिस के जरिए हज पर आने वाले मुसलमान के लिए कुर्बानी का इंतजाम करता है। ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से जुड़ा है। यहाँ मुसलमानों को अपने नाम से कुर्बानी के पैसे जमा कराने होते हैं। ये पैसे जानवर के हिसाब से जमा कराने होते हैं, जैसे ऊँट की कुर्बानी देनी है या फिर बकरे भेड़ की, इनकी कीमत तय होती है। यहाँ पैसे देकर हाजियों को कुर्बानी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सऊदी सरकार खुद ही कुर्बानी का इंतजाम करा देती है। अलग अलग बने स्लाटर हाउस में कुर्बानी करा दी जाती है। जब कुर्बानी हो जाती है तो एक टेक्स्ट मैसेज से उस हाजी को खबर दे दी जाती है कि आपके नाम की कुर्बानी हो गई है। इससे गंदगी भी नहीं होती और व्यवस्था भी बनी रहती है। लाखों की तादाद में कटने वाले जानवर आखिर मक्का में आते कहाँ से होंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इतने तादाद में मक्का में जानवर काटे जाते हैं तो वो आते कहाँ से होंगे और जाते कहाँ होंगे? जो हर साल काट दिए जाते हैं सऊदी अरब में, ये जानवर इम्पोर्ट किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बकरे ईस्ट अफ्रीका के सोमाली लैंड से आते हैं। इनकी तादाद करीब 1 मिलियन होती है। शिप पर लादकर जानवर सऊदी अरब पहुंचाए जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग पशुपालन में लगे हैं। सोमाली लैंड का अब सूडान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कंपटीशन है। हालांकि ये जानवर उरुग्वे, पाकिस्तान, तुर्की एवं सोमालिया से भी सऊदी अरब पहुँचते हैं।